व्हाट्सअप गाइस, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में करने वाले एक कमाल के बैग की अनबॉक्सिंग, जिसे मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मंगाया है। गाइस ये है ऑफिस कम ट्रैवलिंग बैग, या फिर कहें ट्रैवलिंग कम ऑफिस बैग। गाइस दोनों चीज़ों को पूरा करें इस पर्पज़ से मैंने मंगाया। हालांकि इससे पहले जो एक ट्रैवलिंग बैग मंगाया था, जो आई थिंक 50 लीटर का या फिर 65 लीटर का था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर मंगाना है तो मंगा सकते हैं, या वीडियो देखनी तो देख सकते हैं। तो गाइस इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस इसको मंगाने का पर्पज़ ये था कि इसमें ऑफिस के इसे जो ऑफिस के पर्पज़ से भी यूज़ किया जा सके, और जो के पर्पज से भी यूज किया जा सके, यानी काफी सारा सामान इसमें आ सकता है। लैपटॉप के अलग से इसमें कंपार्टमेंट दिया है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें मिल जाती है हमें। ठीक है, फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग। हालांकि मैंने इसे अभी तक जो चीज़ें मैं मंगाता हूँ क्या करता हूँ उसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ पहले, कुल मिला के मतलब देख लेता हूँ उनको पहले किस तरह की क्वालिटी है, कहीं डिफेक्टेड ना हो। बट ये इस बार जो मैं इसको सामने ही आप लोगों के अनबॉक्स कर रहा हूँ, अनपैकड कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो रैपर वगैरह मैंने निकाले, बाय चांस अगर डिफेक्टेड निकलता है तो रिटर्न करना पड़ सकता है। ऑलराइट, सो गाइस फर्स्ट लुक में कुछ इस तरह का दिख रहा है। और गाइस अभी ये ना एक पॉलीथीन के अंदर ये पैक है, बट मुझे क्वालिटी जो मैंने सोचा था ऑलमोस्ट वैसी है, क्योंकि मैं इसके जो फैब्रिक है, जो इसका कपड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो सोच के मैंने मंगाया था। थोड़ा सा रफ एंड टाइफ का होना चाहिए ताकि इसे हैवी वेट भी कैरी किया जा सके। ऑलराइट, तो गाइस कितना पतला भी देख सकते हैं आप। वेट की बात करें तो इसमें 640 ग्राम के समथिंग वेट है, जो इसके ऊपर मेंशन था। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको ख़रीदना है चेक करना कर सकते हैं। तो निकालते हैं इसको बाहर। तो गाइस फर्स्ट लुक में कुछ इस तरह का दिखता है। ऑलराइट, अभी देखो कितना स्लिम लग रहा है। अगर क्वालिटी जो मैंने सोच के मंगाया था, या जो चीज़ मैंने देखी थी कि ऑफिस के पर्पज़ से कैसा रहेगा, तो ऑलमोस्ट वैसा ही यार। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था जब मैंने इसको ऑर्डर किया था, बट ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मतलब लुकिंग वाइज अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो उसमें कुछ इमेज डली हुई थी मुझे उसे देखकर थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि वैसा ना हो जैसा इमेज में दिख रहा, फोटो में दिख रहा है। बट ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, और लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑफिस के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रैवलिंग के पर्पज़ से तो कैसा भी चल जाता है। खैर अब इसको करते हैं ओपन, देखो कितना फूल सकता है, मीन्स कितना इसके अंदर सामान आ सकता है, इसे आप आइडिया ला सकते हैं। हालांकि लीटर की कैपेसिटी की बात की जाए तो 35 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। ऑलराइट, तो भाई जी इतना चौड़ा हो सकता है, इतना सामान इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, अब कंपार्टमेंट देख लेते हैं, कितने कंपार्टमेंट है। 1, 2, 3 जो इसके अंदर जिप दी हुई है, चैन दी हुई है। अब मैं ओपन करता हूँ पहली चैन को। पहली चैन ओपन करने पर ये मिलता है। इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, नीचे तक पूरा है, और भाई इसके साथ देखो ये मिल जाता हमें, ये रेन कोट नहीं, बैग का कवर करने के लिए कोट है ये मतलब बैग जो यहाँ पर जो बारिश में ना भीग जाए इसके लिए है। ठीक है, चलो इसको रख देते हैं साइड में। दूसरी जिप ओपन करता हूँ। ऑलराइट, इसमें भी काफ़ी स्पेस है, और जो मजे की बात देखो, जो अंदर का जो ये बीच का जो लेयर होती है ना, जो पार्टीशन करती है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, वो ज़्यादातर कुछ बैग में क्या आता है, वो पन्नी टाइप के आते हैं ना भाई साहब, वो कुछ ही टाइम चलते हैं, ऑलमोस्ट 1 साल या 2 साल ऐसे मुश्किल से चल पाते हैं। तो उस पर्पज़ से ये काफ़ी सही मुझे लग रहा है। ये बीच वाला जो इसका कंपार्टमेंट है, जो डिवाइड कर रहा है इसको ना पार्टीशन करने के लिए, तो ये इसका फैब्रिक अच्छा है, मतलब नायलॉन टाइप का है, तो ये जो यहाँ पर डैमेज नहीं होने वाला, ख़राब नहीं होने वाला। ठीक है, तो सेकंड कंपार्टमेंट ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला जो काफ़ी सोचने के बाद मैंने मंगाया था, अब देखो गाइस ये काफ़ी बड़ा है, लिटरली काफ़ी बड़ा है, बहुत स्पेस है इसके अंदर। और मजे की बात देखो गाइस, यहाँ पर आप अपना लैपटॉप भी रख सकते हैं। ये देखो लैपटॉप के लिए अलग से कंपार्टमेंट यहाँ पर बना दिया है, और सीट काफ़ी अच्छी है जो फोम की है, लैपटॉप डैमेज ना हो। ये तो है ही ऊपर की तरफ, और इसके पीछे की तरफ भी, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, यानी आपका लैपटॉप बिल्कुल सेफ यहाँ पर रहने वाला, पीठ पर टांग लेते तो बैंड नहीं होगा। ठीक है, और जो इसकी ये पट्टियाँ हैं ना, ये भी काफ़ी अच्छी दी हुई, ऐसा नहीं कि बहुत लाइट फोम इनके अंदर यूज़ किया हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ग्रिप काफ़ी अच्छी है इसमें, तो शोल्डर पे काफ़ी कंफर्ट रहने वाला, जैसा अगर पीठ पे टांगते हैं। अगर ये चीज़ थोड़ी पतली आती है ना, लाइट आती है, तो उससे ना थोड़ा शोल्डर पे ज़्यादा वेट पड़ता है, क्योंकि वो खिंचता जाता है, फोम रहती है, तो इससे थोड़ा इतना पता नहीं चलेगा। तो उस पर्पज़ से काफ़ी सही लगा मुझे अनबॉक्सिंग के बाद, हालांकि रिसर्च करने के बाद ही मैंने मंगाया था। काफ़ी बैग्स मैंने देखे थे लोकल मार्केट में भी सर्च किए थे इस प्राइस रेंज में। ऑलराइट, तो गाइस काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। अगर आप सोच रहे हो ना भाई साहब इसको मंगा लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, काफ़ी अच्छा है, लिटरली काफ़ी अच्छा है। ये मैंने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाया,
हालांकि अनबॉक्सिंग वीडियो में डाल देता हूँ क्योंकि जो भी चीज़ मैं मंगाता हूँ जो मुझे सही लगती है, क्योंकि चैनल अनबॉक्सिंग का तो नहीं है खैर, लेकिन जो प्रोडक्ट मैं पर्सनल अपने लिए मंगाता हूँ काफ़ी सोच समझ के मंगाता हूँ, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें हम जो वो नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। और गाइस ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना भूल गया था, ये नीचे की तरफ इसमें एक और जिप दी हुई है, इसके अंदर मे बी जो जो रेन कवर है वो होता है, रेन कोट बैग वाला, तो ये है, इसके अंदर रख सकते हैं इसको, जो मैंने स्टार्टिंग में निकाला था, ये इन्होंने बाहर की तरफ ही दे दिया था। ठीक है, इसको जो फोल्ड करके हम इसके अंदर रख सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में वही देख रहा था यार, इसकी जिप कहाँ गई, ये इसके अंदर डाल दो इसको, इसके अंदर चला गया। और जब कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, इन केस बारिश होने लगती है, तब आपने इसको निकाल लेना और जो बैग के ऊपर फिट कर देना ऊपर से नीचे की तरफ को। ठीक है, तो बढ़िया बैग है यार, लिटरली काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा बहुत मुझे डाउट था जब तक कि ये डिलीवर नहीं हुआ, अभी मैंने जस्ट आपके सामने ही ओपन किया, ऐसा नहीं कि पहले ओपन कर लिया था, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, नो डाउट मंगा लेना अगर मंगा नहीं सोच रहे हो, इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़बरदस्त बैग है, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट में भी सर्च किया, वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हाई है इस क्वालिटी के बैग के, क्योंकि मैं लोकल क्वालिटी के तो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, इस क्वालिटी के बैग की अगर बात करें तो काफ़ी रेट बहुत ज़्यादा हाई मिलने वाले हैं, तो यहाँ से मैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, मंगा सकते हैं। तीन चार कलर इसमें मिल जाएंगे, एक तो ये मैंने नेवी ब्लू कलर का मंगाया, एकदम से ब्लू नहीं लगता ये, डार्क ब्लू बोल सकते हैं आप इसको, तो ऑफिशियल ऑफिस के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है इसमें। हालांकि आपको एक दो कलर और मिल जाएंगे, आप जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो आई पसंद तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर जरूर से कर देना दोस्तों के साथ जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनके साथ, हो सकता है मे बी ये बैग काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको ज़्यादा बड़ा बैग नहीं चाहिए, एक छोटा सा बैग चाहिए बट उसके अंदर काफ़ी सारा सामान आ जाए, जो झापू टाइप का ना लगे बहुत बड़ा, तो उस पर्पज़ से भी ये काफ़ी अच्छा बैग है, तो उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो आई पसंद तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर जरूर से कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।